सुप्रभात आदरणीय प्राचार्य सर, उपप्राचार्य सर, सभी गुरुजनों और मेरे प्यारे भाइयों और सभी बहनों, मैं नंदन आप सभी को इस महान और पवित्र दिन की शुभकामना देता हूँ। किसी भी रिश्ते में एक दूसरे के प्रति परस्पर विश्वास, सहयोग और भाव की भावी रिश्तों को जीवित रखता है। रक्षाबंधन का एक ऐसा त्यौहार है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे के प्रति अपनी इसी भावना को प्रकट करते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार ऐतिहासिक काल से ही अपने साथी दायित्व और एहसास का कराता रहा है। इस दिन से संबंधित कुछ प्रमुख कथाएं हमारे सामने आती है जो यह बताती है कि यह त्यौहार केवल जातिगत ही नहीं परंतु धार्मिक, सांप्रदायिक और सद्भावना का भी एक उदाहरण है। द्रौपदी का कृष्ण के साथ संबंध, हुमायूं का कर्मवती के साथ संबंध, शिवाजी का गौहर बानों के साथ संबंध इसके उदाहरण हैं। इस दिन का महत्व इस बात में भी है कि यह संबंध पवित्रता और गहराई केवल रक्त और संबंधों पर ही निर्भर नहीं बल्कि कुछ रिश्ते ऐसे चुनते हैं और उसको पवित्रता, विश्वास और सहयोग का वचन जीवन भर निभाते हैं। इस प्रकार यह त्यौहार सामाजिक सद्भाव, सामाजिक रिश्तों का विस्तार से पर्याय है। इस दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती है, माथे पे तिलक लगाती है, मुंह में मिठाई खिलाती है और भाई अपनी बहन को कोई उपहार देता है और एक दूसरे की रक्षा करने के वचन भी लेते हैं। आप लोगों ने मुझे इतनी देर तक शांति से सुना, इसलिए मेरा धन्यवाद।